गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है, मैंने झाड़ू पोछा वगैरह कर लिए, सभी चले गए हैं, टिफिन वगैरह सभी बन गए हैं। तो अभी मेरे धुल रहे हैं मशीन में कपड़े, लगभग धुल ही चुके हैं, थोड़े बहुत रह रहे तो उन्हें धुल लेते हैं। और ये जब सुबह सुबह जाते हैं, टॉवल वगैरह इधर उधर सभी डाल के चले जाते हैं, तो इतने मेरे कपड़े धुल रहे मशीन में, मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो गाइस मैं नहा धोकर आ गई हूँ ऊपर, देखिए इतने सारे कपड़े हैं, ये सुखाने हैं। और ये लोटा भी लेकर आ गई हूँ क्योंकि जल देना है सूर्य देव को। और मैं डाल देती और मैं थोड़ी देर के लिए बैठूंगी यहाँ पर धूप में, पहले इस पे कपड़ा मार लेती हूँ, जो धूल सी है वो हट जाएगी इससे। फिर मैं क्योंकि कंघा वगैरह सभी लेके आई हूँ, फिर अपने हेयर वो यहीं पर काट लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा मार दिया है, यहाँ पर बैठेंगे थोड़ी देर, धूप लेंगे। मैं ये लेके आई हूँ और अब ये डालेंगे यहाँ पर और बैठ जाऊंगी। देखिए मैं यहाँ पर धूप में बैठ गई हूँ और अपने बाल काट लूंगी। अच्छी धूप आ रही है, सर्दियों में धूप अच्छी लगती है, तो धूप अच्छी आ रही तो मैं यहाँ पर बैठ के कंघी कर लूंगी और उसके बाद चलते हैं नीचे नाश्ता वगैरह करते। तो गाइस देखिए मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया और यहाँ पर जो मैंने रात मलाई जमाई थी उससे मक्खन निकाल रही हूँ, और यहाँ पर जो पहले निकाला था वो कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया। देखिए अभी रखा है, अभी अच्छे से ये मेल्ट भी नहीं हुआ है, तो इसको भी निकाल के मैं इसमें ही डाल देती हूँ। तो ये काम कर लेती हूँ पहले फटाफट, घी गर्म कर देते हैं क्योंकि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में बोलते हैं फ्राइडे मंडे में घी गर्म करना अच्छी बात होती है, थर्सडे वगैरह को नहीं करते हैं, तो मैंने कल नहीं किया था। तो पहले मैं घी गर्म करके दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैंने वो वाला मक्खन भी निकाल के इसमें डाल दिया और देखिए ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। थोड़ी देर इसे तेज गैस पे करती हूँ, उसके बाद मैं इसको स्लो कर देती हूँ, तब तक मेरा ये घी पकता है। मैं ये मटर आई थी ये छील लेती हूँ क्योंकि छील के ही रख देते हैं तो सही रहता है, जब यूज
करने का टाइम आता है तो साथ के साथ लेते रहते और यूज करते। तो मैं यहाँ पर बैठ के इतने ये मटर निकाल दूंगी, उसके बाद बातें करती हूँ आपसे। ये दाने निकाल कर यहाँ बैठ के कर लेती हूँ ये काम। तो मटर भी छिल गई है, वो मैंने रख दिया। और देखिए यहाँ पर मेरा घी भी अच्छे से हो गया, बिल्कुल स्लो पे कर रखा था मैंने। और अब मैं इसको कर दूंगी बंद, क्योंकि ये अच्छे से पक चुका है। मैं वैसे ज़्यादा करती नहीं हूँ घी वगैरह, लेकिन आज मम्मी नहीं है तो मुझे करना पड़ा, क्योंकि दो बार मलाई जमा के घी बनाना था तो वो हो गया था, मम्मी नहीं है तो इसलिए किया था। तो देखिए अच्छे से बन चुका है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन कौन घी बनाना जानता है ज़रूर, और वीडियो को लाइक करें। अभी बातें करती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद, पहले इसको कर देती हूँ बंद। तो देखिए मैंने गैस कर दिया बंद, इसको होने देते हैं ठंडा, उसके बाद इसको कर लूँगी डिब्बे में। तो गाइस देखिए शाम का समय हो रहा था और दोपहर को मैंने कोई भी वीडियो क्लिप नहीं की थी, क्योंकि तबीयत नहीं थी ठीक। फिर से तबीयत खराब हो रही है, सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। और देखिए मेरी सब्जी बन रही है, मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए आलू गोभी और मटर की सब्जी बनी है, लगभग बन चुकी है। और यहाँ पर मेरा दूध गर्म हो रहा है, ऐसे ढक देते हैं छन्नी से। और बच्चे गए हैं ट्यूशन, मम्मी लेने गई हैं बच्चों को, तो इसमें हरा धनिया डाल देती हूँ क्योंकि सब्जी लगभग बन चुकी है। और इसके बाद जलाती हूँ दिया, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है तो दिया भी जलाना है। देखिए मैं हरा धनिया इस तरह से काट के रख देती हूँ, फिर रोज़ रोज़ हमें धो के और काट के इसमें रख देती हूँ। रोज़ की रोज़ हमें ये काटना नहीं पड़ता है, और बस निकालो फ्रीज से और डाल दो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। देखिए मैंने मंदिर में दिया भी जला दिया और ये लाइटें भी जला दी हैं। देखिए कितना अच्छा लगता है, बहुत मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है जब दिया जल जाता है और ये लाइटिंग कर देती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। और दिया जल जाता है घर में तो मतलब सोचो कि बहुत शांति सी हो जाती है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान बस मेरे मन को सुकून देना, शांति देना।